थाना परिसर में ईदुल अजहा को लेकर शांति समिति बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता लावालोंग वीडियो अमित कुमार ने की व मंच का संचालन थाना प्रभारी विवेक कुमार ने किया। इस बैठक में शामिल इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह, उप प्रमुख प्रसाद भारती, राजद पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सह समाज सेवी छड़ू सिंह भोक्ता, मुजाहिद आलम, अमरीका यादव, खीरू प्रजापति, सिलदाग मुखिया चुन्नू सिंह भोक्ता, कोलकोले मुखिया पति मोहम्मद इलाही, मुस्लिम समाज सदर मोहम्मद हसीब, जफरुद्दीन अंसारी, जमीर अंसारी, उगन शाहू, गौरी यादव, कैलाश भारती, कामाख्या गांजू, राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद साजिद अंसारी इत्यादि दर्जनों बुद्धिजीवी सम्मानित जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे। इस बैठक में ईद उल अजहा पर्व शांतिपूर्ण मनाने की निर्णय लिया गया व सरकार द्वारा कोविड 19 गाइडलाइन को भी पालन करने का निर्देश दिया गया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इंस्पेक्टर सिंह जी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में व अपने घरों में शांतिपूर्ण त्योहार को मनाएं और कोई आपत्तिजनक वीडियो व मैसेज को सोशल मीडिया पर वायरल ना करें। कहीं भी किसी तरह की कोई बात हो तो थाना प्रभारी विवेक कुमार व वीडियो अमित कुमार जी से संपर्क करें और घटना की जानकारी दें ताकि ससमय कोई अनहोनी होने से बचाया जा सके और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग शांतिपूर्ण त्योहार को मनाएं और जिले व पूरे राज्य में एक अच्छा मैसेज देने का कार्य करें। जी सर, आज का ये शांति समिति जो बैठक लगी सर, इस पर गाइडलाइन क्या है सर? आज प्रखंड विकास पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में काफ़ी गणमान्य लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जिसमें बकरीद के अवसर पर अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और कुछ जगह जहाँ नमाज वगैरह अदा की जाती है वहाँ पर हम लोगों ने फोर्स देने का या अपने प्रतिनिधि पदाधिकारी का फोर्स करने का निर्णय लिया है। इस दौरान हम लोगों ने जो आज के माहौल में जो कोविड 19 के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहा है उस संबंध में भी सभी प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाकर इसको सफल बनाने का भी निर्देश दिया गया। जी सर, आज लेना तो था बीच में आप बकरीद का जो शांति समिति की बैठक की गई, इस पर सब विशेष चर्चा किया क्या की? आज की बैठक में हम लोगों ने ये समझा कि पूर्व में लावालौंग में जो पर्व त्यौहार होता है या ईद के समय कैसी स्थिति रही है, तो यहाँ सभी लोग ध्वनि मत से एक मत होकर बोले हैं कि कोई कॉमनल हिस्ट्री यहाँ का नहीं रहा है और सारा चीज़ शांतिपूर्ण रहता है यहाँ पर। और चर्चा में ये बात सामने आई कि सुबह 6 बजे का नमाज होगा, उसके बाद घर में केवल खाने पीने की बात रहेगी, किसी तरह का जुलूस या मेला वगैरह नहीं है। तो हम लोगों ने जो भी सरकार के रूल थे, जो गाइडलाइन थे, वो सभी लोग को बता दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सब चीज़ शांति से निपटेगा। R9 भारत के लिए मोहम्मद शाजिद की रिपोर्ट लावालौंग से। बीते वर्ष स्कॉर्पियो गाड़ी GH1Y5571 के मालिक प्रवेश सिंह धर्मपुर के रहने वाले के कहने पर तरवारिया के रहने वाले ड्राइवर जमीरुद्दीन अंसारी दो व्यक्ति को बैठाकर भागलपुर ले जाने के क्रम में साहिबगंज के अम्बाडीहा तालाब के निकटवर्ती दोनों व्यक्ति पेशवा के रुकवा कर दोनों ने ड्राइवर को गाली गलौज के साथ मारपीट करने लगे और रिवॉल्वर सटा कर गाड़ी की चाबी छीनने का प्रयास करने लगे कि इतने देर में ही लाल रंग की मोटरसाइकिल पर दो सवार व्यक्ति आए और टाकू सटा कर चाबी छीन लिया और गाड़ी लेकर भाग गए। जिसको लेकर वादी जमीरुद्दीन अंसारी ने ओपी थाना जिरवाबड़ी में लिखित आवेदन देकर FIR दर्ज कराया था। वही सफल उद्भेदन के आधार पर अनुसंधान की बारीकी से कार्यवाही करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्कोट्टा ने कहा, 2020 में जिरवाबड़ी थाना कांड संख्या 7520 दिनांक 24/1/2020 को स्कॉर्पियो की लूट की एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें उस वक्त अपराधियों को चिन्हित कर कुछ अपराधियों को जेल भेजा गया था, किंतु उसके जो लूट में स्कॉर्पियो लूटी गई थी वो बरामद नहीं हुई थी। इसकी सूचना गुप्त रूप से प्राप्त हुई, जिसके बरामदगी के लिए SDPO साहेबगंज के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और बिहार से कुछ अपराधियों को पकड़ा गया, जिसके आधार पर और उनकी निशानदेही पर 7520 में लूटी गई स्कॉर्पियो देवघर से बरामद किया गया और इस लूटी हुई जो स्कॉर्पियो थी उसको बेचने के क्रम में जो अपराधी आए हैं उनका नाम पवन कुमार, विनोद कुमार, विवेकानंद, देवराज, अमन, मिथुन और दिलीप की गिरफ्तारी की गई है। और इनके स्वीकारोक्ति बयान में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर
पूर्व में जो अनुसंधान हुए उसके सत्यापन की जा रही है। सही के पात्र हैं। ये चार लोग कहाँ के हैं? कुछ बिहार के हैं और एक देवघर का आदमी। कहते जो लूट की घटना हुई थी, लूट के करीब जो इनकी स्टोरी है वो दूसरी है। लूट जनवरी में हुई थी, गाड़ी इनको कुछ दिनों पहले मिली है लेकिन ये इस्तेमाल हो रही थी। तो इनकी जो कहानी है और जो पूर्व में जो वादी के द्वारा बताया गया उसके विषय में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान का विषय है क्योंकि इनके जो स्टोरी है वो दूसरी है और वादी की स्टोरी दूसरी है। R9 भारत के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, साहिबगंज, झारखंड से।